हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि मेहता, कुक एट होम विद निधि मेहता में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे बच्चों को पसंद आने वाले बहुत ही मजेदार और टेस्टी चीजी पनीर रोल। ये देखिए कितने मजेदार लग रहे हैं, अंदर से पनीर और चीज से भरे हुए रोल्स हैं ये, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये मजेदार रोल्स। पर उससे पहले, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। चीजी पनीर रोल बनाने के लिए मैंने लिए है ये एक बाउल ग्रेटेड पनीर, ये 200 ग्राम पनीर है। साथ में लिया है ये आधा बाउल मोजरेला चीज और आधा बाउल प्रोसेस्ड चीज, ये दोनों चीज ग्रेटेड है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे ये पनीर, डाल देंगे चीज, ये दोनों तरह की चीज मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, ये नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ये मैंने लिया है 2 टीस्पून पिज्जा सीजनिंग, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज्यादा, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये लिए हैं 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ये इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। अब हम इन सब चीजों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं बारीक चॉप करके, पर आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें ग्रीन चिली नहीं डाल रही हूँ। मिर्च, नमक और मसाले ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। ये देखिए मैंने चीज, पनीर और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक इसमें से छोटा सा पोर्शन लेंगे, उसको इस तरह से हाथों में रख के और इसको सिलेंड्रिकल शेप देंगे तरह से। इसको साइड में रख देते हैं प्लेट में, और बाकी भी सारे मटेरियल से हम इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप की ये बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारे सिलेंड्रिकल शेप में ये रोल्स रेडी कर लिए हैं। ये इतने मटेरियल में 11 रोल्स बने हैं। अब ये मैंने लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस, इसके हम कॉर्नर्स को कट कर लेंगे इस तरह से, चाहे आप नाइफ से कट करें चाहे सीजर किसी से भी कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इनको कट कर देना है, और इन कॉर्नर्स को फेंकना नहीं है, इससे जो है हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और उसको हम किसी भी कटलेट वगैरह में यूज कर सकते हैं। ये मैंने लिया है 4 टेबलस्पून मैदा, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसकी एक स्लरी बना लेंगे, इस तरह से मिक्स करेंगे इसमें। एकदम बहुत सारा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये पतला भी हो सकता है ज्यादा। ये स्लरी हमारी रेडी है, देखिए इस तरह से ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। ये देखिए मैंने ब्रेड स्लाइसेस के भी कॉर्नर्स काट कर लिए हैं। चलिए अब इनको भरना शुरू करते हैं। ये एक स्लाइस लेंगे सबसे पहले, उसको इस तरह से बेलेंगे, कॉर्नर्स को थोड़ा ज्यादा पतला करें। ये देखिए मैंने बेल के इसको कितना पतला कर लिया है। अब ये जो हमने मैदे की स्लरी बनाई है इसको इस तरह से हम साइड्स पे लगाएंगे, इसके चारों एजेस पे लगाना है हमें इसको। ये जो हमने सिलेंड्रिकल शेप का पनीर और चीज का रोल बना के रखा था वो इसको उसको इस तरह से सेंटर में रखेंगे, एक साइड पे रखना है, और धीरे धीरे करके हम इसको इस तरह से रोल करेंगे। हो सके तो साइडों से इस तरह से इसको चिपका दीजिए, इस तरह से पॉकेट की तरह बन जाएगा ये। इसी तरह से बाकी सारे रोल्स भी हम रेडी कर लेंगे। ये मैंने अभी 4 रोल्स रेडी करे हैं, इसको पहले बना लेंगे उसके बाद मैं बाकी रोल्स बनाऊंगी। उसके लिए ये देखिए मैंने ये
मेल्टेड बटर लिया है, इसको इस तरह से रोल पे हम लगाएंगे अच्छी तरह से। अभी ये एक साइड पे लगाया है, फिर दूसरी साइड में बाद में लगाएंगे। ये सभी रोल्स पे लगा रही हूं मैं बटर को। ये मैंने पैन ले लिया है और मैंने गैस ऑन कर ली है। गैस को रखना है मीडियम टू लो आंच पे। और ये जिस साइड हमने बटर लगाया था उसको हम इस तरह से नीचे की साइड रखेंगे और अब हम इस साइड पे भी बटर लगा देंगे। ये सभी रोल्स पे मैंने ऊपर की तरफ ही बटर लगा दिया है। अब हम इसको ढक देंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। इसको ढक के पकाना इसलिए जरूरी है ताकि चीज हमारा अच्छी तरह से अंदर से मेल्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से नीचे से ये हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इनको पलट लेते हैं और इसी तरह से सब तरफ से इनको हम ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसको ढक देंगे फिर से और हम इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे और हम इसको ब्राउन कर लेंगे। ये रोल्स हमारे बनके रेडी हैं। देखिए कितने क्रिस्पी रोल्स बने हैं। ये बहुत टेस्टी रोल्स बनते हैं और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। आप उनको किसी भी टाइम ये रोल्स बना के खिलाइए, चाहे आप उनकी बर्थडे पार्टीज में भी ये रोल्स बनाइए, ये सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। चलिए अब इनको निकालते हैं और इनकी प्लेटिंग करते हैं। मैं इस पे डाल रही हूं थोड़ी सी ये पिज्जा सीजनिंग। ये हमारे बहुत ही टेस्टी पनीर और चीज के रोल बनके रेडी हैं। आप एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा और बच्चों को खिलाइएगा। यकीन मानिए ये बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत ही पसंद आने वाले हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रोल्स कैसे लगे। जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।